जैकब फगर अगर आज जिंदा होते तब भी बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वैरन बफेट और कार्लोस स्लिम यानी दुनिया के चार बड़े रईसों से ज्यादा दौलतमंद होते। जैकब के जीवनीकार और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पूर्व संपादक ग्रेग स्टाइनमेट्ज़ के मुताबिक इस जर्मन बैंकर और व्यापारी को द रिच वन पुकारा जाता था। ये दौर था साल 1459 से 1525 का। जैकब ने उस दौर में आज के 400 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 25 खरब रुपए कमाए। ग्रेग ने 2015 में जैकब को अपनी किताब द रिचेस्ट मैन हु एवर लिव्ड में इतिहास का सबसे अमीर आदमी बताया। जैकब को इतिहास के सबसे अमीर आदमी बताने के ग्रेग के दावे पर सवाल किए जा सकते हैं। बीबीसी वर्ल्ड से बात करते हुए ग्रेग ने कहा, जैकब निसंदेह दुनिया में अब तक के सबसे ताकतवर बैंकर थे। सबसे अमीर बताने के पीछे क्या है तर्क? ग्रेग बताते हैं, जैकब पूर्ण जागरण काल में रह रहे थे। तब दुनिया को दो ताकतें रोमन साम्राज्य और पोप चलाते थे। फगर इन दोनों को पैसा मुहैया कराते थे। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके पास इतनी राजनीतिक ताकतें हों। फगर ने ये तय किया कि स्पेन के राजा चार्ल्स एक को रोम का राजा होना चाहिए और चार्ल्स पांच के रूप में उन्हें सफलता भी मिली। चार्ल्स पांच ने नई दुनिया को उपनिवेश बनाया। अगर वो सत्ता में न आए होते तो दुनिया वैसी न होती जैसी आज है। ऑगस्टबर्ग में आज भी देखे जा सकते हैं। फगर की निशानियां इतने अमीर थे तो गुमनाम क्यों? उस दौर के रईस ओमेडिकी सीजर और लुसरेज या बोर्गिया बंधु के बारे में काफी लोग जानते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि फगर के बारे में कम लोग क्यों जानते हैं? ग्रेग इसकी वजह बताते हैं, ऐसा इसलिए था क्योंकि फगर जर्मन थे और वो इंग्लिश बोलने वाली दुनिया के बीच पहचाने नहीं गए। मैं बर्लिन में वॉल स्ट्रीट जर्नल का ब्यूरो प्रमुख था। मैंने कई बार फगर का नाम सुना था लेकिन मुझे इंग्लिश में उनके बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिला। अमीर थे लेकिन रंगीन मिजाज नहीं। दुनिया फगर के बारे में शायद इसलिए भी कम जानती है क्योंकि वो रंगीन मिजाज आदमी नहीं थे, जैसा कि उस दौर के रईसों के लिए एक बहुत साधारण बात थी। फगर ने कभी कोई राजनीतिक ऑफिस बनाना या पोप बनना नहीं चाहा। नहीं फगर ने इमारतें बनवाने और नहीं पूर्ण जागरण के किसी आर्टिस्ट को स्पॉन्सर करने का काम किया। फगर का सबसे मशहूर काम रहा फगराई, यानी एक सामाजिक हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसे उन्होंने दक्षिणी जर्मनी के ऑक्सबर्ग में बनाया था। एक साल का किराया 64 रुपए। फगर का ये काम अब भी जर्मन में मशहूर है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग अब भी साल का किराया करीब $1 यानी 64 रुपए देते हैं। ग्रेग बताते हैं, बैंकर उस दौर में जरा छुप कर काम करना पसंद करते थे लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जैकब फगर अपनी निशानी नहीं छोड़ गए। उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। हालांकि इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि कम लोग ही उन्हें जानते हैं।